पिछले 24 घंटा में नॉर्थ ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग सभी प्लेसेस में मोस्ट प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश और साउथ ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। एक दो जगह में हैवी रेनफॉल भी हुआ है। सोनपुर में हाइस्ट रेनफॉल मिला डुंगरी पोली में 87.0 मिलीमीटर, बालीगुड़ा अंदामान डिस्ट्रिक्ट का 80.0 मिलीमीटर, बीजीपुर बोरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 78.0 मिलीमीटर, जगत सिंहपुर में 61.0 मिलीमीटर, हीराकुद में 56.2 मिलीमीटर, इस तरह से रेनफॉल एक्टिविटी था। तो इसका बारिश से हमारा पिछले 24 घंटे में साउथ वेस्ट मॉनसून एक्टिव भी था। भुवनेश्वर सिटी में 3.5 मिलीमीटर बारिश था। अभी अगला 5 दिन के लिए जो हमारा फोरकास्ट रहेगा, नेक्स्ट 24 आवर्स में नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होगा। साउथ उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पर रहेगा और एक दो जगह में हैवी रेनफॉल भी हो सकता है, मेनली नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में का अंदर में, मेनली सुंदरगढ़, देवगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, केउनझर, अंगुल, बरागढ़, मयूरधनकलान, बोईबाज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपड़ा, जजपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट का अंदर में रहने का चांसेस है। और फिर कल 18 तारीख में भी नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हल्का सा मध्यम बारिश, कोस्टल उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में रहेगा, साउथ में कुछ कुछ स्थानों पर रहेगा। सुंदरगढ़, देवगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरागढ़, अंगुल, केउनझर, मयूरभंज, बालासोर, बौद्ध, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक तो जगह में हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। फिर 19 को भी नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में बारिश रहेगा, साउथ उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पर रहेगा। बरागढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, केउनझर, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक तो जगह में हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। फिर 2021 में रेनफॉल एक्टिविटी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होने का चांसेस है। इसमें कुछ कुछ स्थानों पर ही बारिश रहेगा, हल्का से मध्यम, हैवी रेनफॉल का चांसेस नहीं है। भुवनेश्वर सिटी में जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा और हल्का से मध्यम बारिश, एक दो स्पेल्स होने का चांसेस है। और अभी हमारा बे एरिया में और मानसून फ्लो एक्टिव है, स्पेशल ग्रेडियंट भी है, तो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एरिया में स्क्वाली वेदर और उसका साथ गस्ट सरफेस विंड 40-50 किलोमीटर पर आवर तक जाने का चांसेस है। तो फिशरमैन को समुद्र जाने के लिए डीप सी एरिया में मेनली नॉर्थ बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में जाने के लिए अगला 48 आवर्स मीन्स अगला 2 दिन तक मना है। बट कोस्टल एरिया में एक्टिविटी हो सकता है, कोस्टल एरिया में वार्निंग नहीं है, बट हमारा डीप सी एरिया में जाने के लिए मना है।